So in this particular video uh, we will continue ऑन मोहरिले एंड द इफेक्ट ऑफ आर्क रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग ऑन मोहरिले दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इफेक्ट ऑफ आर्क रेजिस्टेंस एंड मोहरिले सी आर्क रेजिस्टेंस होता क्या है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है मतलब जो भी हमने इफेक्ट ली थी डिस्टेंस रिले के अंदर ठीक है सिंपल डिस्टेंस रिले के अंदर वहां पर मैंने समझा दिया है कि आर्क रेजिस्टेंस क्या है और आर्क क्या है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी इफेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर मोहर रिले के ऊपर क्या होगी तो हमें सबसे पहले जो है वो डायग्राम जो है वो उसका ड्रॉ करना पड़ेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी पड़ेगी और वो होगी अपनी आर एक्स डायग्राम के ऊपर ठीक है वो हमें बताया ठीक है देखिए ये है अपना एक्स और ये है आर अगर मैं देखू यहां पे, तो जो भी जो हमें मिल रहा था वो कुछ इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा था देखिये यहां पे इस तरह से कुछ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ठीक है अगर मैं पहले कुछ लाइन ही ले लेता हूं ठीक है इस तरह से कुछ जो कि इम्पोर्टेंस की, की लाइन होगी इसमें अभी कंसिडर करने की कोई बात नहीं है अगर मैं यहां से ले लूँ, इसके हाफ पॉइंट जो है वो हमें लेना था ठीक है इस तरह से और ये इस तरह से सो so, ये सर्कल जो है मुझे मिला है अभी तो ये सर्कल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए इस तरह से कुछ सो so, अगर मैं फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लू तो फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें पता है कहां पे आएगी ये जो है ना ये अपनी फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर मैं देखू चलिए मान लीजिए कि यही अपनी फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आप देख लीजिए ये जो है ना ये अपनी फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये फॉल्ट है और यहां पे अगर ये कोई ये है। लेकिन ये आर्क आर्क का है वो हमें है। जब भी फॉल्ट कोई क्लियर होता है तो सर्किट ब्रेक करके बीच के बीच के अंदर जो भी वो आर्क प्रोड्यूस होता है वो और ये जो आर्क रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या है प्योरली रेजिस्टिव होता है ये सब बातें जो मैंने डिस्कस की हुई है ठीक है, so, सो अगर मैं देखूँ तो ये देखिए ये तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी तो इस तरह से अगर मैं देखूँ कि फॉल्ट रेजिस्टेंस की, की वजह से प्योरली रेजिस्टिव होने की वजह से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है वो यहां तक शिफ्ट हो गया मान लीजिए यहां पर कोई शिफ्ट हो गया तो ये जो रीजन हो गया ना ड्यू टू आर्क रेजिस्टेंस सो so, अगर ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गया तो ये जो पूरी है ना वो इस तरह से यहां पे शिफ्ट हो जाएगी यहां पे शिफ्ट हुआ यहां पे शिफ्ट हो जाएगी तो अगर इसके पैरल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगी तो ये जो है ना ये फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ही है लेकिन अभी आर रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो गई शिफ्ट हो चुकी है अगर ये शिफ्ट हो चुकी है तो आप देख सकते हैं यहां पे अगर मैं इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये यह यहां पे आएगा ये तो आउटसाइड द रीजन हो गया तो ये क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस इफेक्ट ऑफ आर्ट रेजिस्टेंस होगा ये रिले जो है आपकी इसकी रीच जो है वो अंडर रीच हो जाएगी अगर मैं देखू ये पॉइंट यहां पे अगर मैं इस तरह से खींच लू ये पॉइंट तो ये बी पॉइंट हो गया मेरा ए बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया तो जब पहले जो रिल ऑपरेट करती थी वो इस पॉइंट पे कर रही थी लेकिन अभी इफेक्ट ऑफ आर रेजिस्टेंस की वजह से आपकी रिले जो है बी पॉइंट तक ही ऑपरेट कर पाएगी यानी कि इसका रीजन जो है वो डिक्रीज हो चुका है तो ये इफेक्ट आती है आर रेजिस्टेंस की मोह रिले के ऊपर सो प्रीवियसली इट वाज ऑपरेटेड एट ए बट नाउ इट इज ऑपरेटिंग एट बी फाइन बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस एडेड ओके देखिए यहां पे ये जो ये जो पर्टिकुलर है वो क्यों आई है यहां पे फॉल्ट रेजिस्टेंस के कारण ये शिफ्ट आई है तो ये जो है बिकॉज ऑफ फॉल्ट रेजिस्टेंस सो इट कैन योर रिले कैन ऑपरेट विद इन दिस पर्टिकुलर रीजन विद इन दिस पर्टिकुलर रीजन अप टू बी सो वी कैन से दैट वॉट इज बी यू कैन से दिस पर्टिकुलर ओ मान लीजिए ये कोई ई uh, e है तो मान लीजिए ओ ई तो वो आपका क्या है आर्क रेजिस्टेंस क्या है आर्क रेजिस्टेंस यू कैन से दिस ओ ए वो क्या है आपका कोई इंपोर्टेंट सेट वैल्यू है ठीक है सो अंडर रिच इसमें क्या कहलाएगी अंडर रिच जो होगी पहले हो रहा था ओ ए अब होगा बी तक तो ए बी अंडर रिच होगा आपका इतना पोर्शन जो है वो अंडरिच हो जाएगा ना इतना पोर्शन अंड रिच हो जाएगा सो द परसेंटेज अंडर रीच ऑफ द रिले इज मोर देन द इम्पिडेंस रिले ठीक है सो अगर मैं देखू कि इस तरह से अंडर रीच परसेंटेज ऑफ अंडर रीच जो है मैं निकाल सकता हूँ कैसे ए बी डिटू हंड्रेड सो परसेंटेज ऑफ अंडर रीच इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई ओ एंटू हंड्रेड नाउ विल सी द इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग लेट सी किस तरह से इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग जो है वो बनती है सो इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग ऑन मोहरिले ऑन मोहरिले सो इसके लिए ये जो फिगर जो ड्रॉ की है वो कंसिडर करनी पड़ेगी आपको सो so, ये जो है जनरेटर वन है और ये दूसरा जनरेटर है यहाँ पे ये यह जो पहला जनरेटर है उसका कुछ इंपिडेंस होगा तो वो इंपिडेंस मैं इस तरह से दिखाऊंगा ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किए उसका कुछ इंपिडेंस होगा तो इस तरह से इंपिडेंस में ड्रॉ करूँगा उसका इंपिडेंस बी सो इसका so इंपिडेंस है तो यहाँ पे कुछ जेड एस ए इंपिडेंस दिखाता हूँ यहाँ पे कोई इंपिडेंस है ये दूसरे का तो जेड एस बी दिखाता हूँ ये जो पर्टिकुलर है वो कुछ इंडियज डीएमएफ ई एट एन एंगल डेल्टा और यहाँ पे जो कुछ इंड्यूस डी एम एफ वो है एट एन एंगल जीरो ठीक है और ये जो है वो लाइन का इम्पिडेंस है उसको मैं जेडल से दिखा देता हूं तो ये हो गया अपना ए बस बार ये हो गया अपना बी बस बार यहाँ पे कोई मेरे रिले सर्किट ब्रेकर रखा हुआ है और यहाँ से कोई ये सी और ये पी और दोनों को सिग्नल जो है कहाँ देंगे वो रिले को देंगे और ये इस तरह से कुछ देंगे सर्किट ब्रेकर को यहाँ से जो करंट जाएगा रिले का वो आई करंट और यहाँ से जो वोल्टेज होगा वो होगा अपना वी वोल्टेज रिले ठीक है देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग मैंने पहले भी समझाया दूसरी रिले के अंदर ठीक है सो यहाँ पे मुझे बेसिकली समझाने की, की जरूरत है तो हमें बताया कि ये जो पावर स्विंग जो वो कब आती है हमें जब पावर सिस्टम के अंदर जब लोड रिमूव होता है सडनली अगर कोई लोड जो है वो अच्छा खासा रिमूव हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा सिस्टम जो है आपकी ऑसिलेट करने लगेगी क्या करने लगेगी ऑसिलेट करने लगेगी ऑसिलेट क्या होगा आपका जो एंगल है आपका जो रोटर एंगल है वो क्या हो जाएगा वो रोटर एंगल वो ऑसिलेट करता रहेगा सो so, अगर वो रोटर जो है वो ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा ह्यूज वैल्यू ऑफ करंट पासिंग फॉर सम टाइम्स सो इट कैन अफेक्ट योर रोटर वाइंडिंग आल्सो फाइन सो हमें पता है कि जो रिले के अंदर रिले किस तरह देखिए ये रेशो हो होगा ना वी बाय तो वी जो है वो तो सेम रहेगा लेकिन आई जो है ना वो ऑसिलेट करेगा वो क्या करेगा ऑसिलेट करेगा दैट सो so, ये जो जेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इज लेस देन दैट इज इज द द एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू वैल्यू ओके ऑफ द इंपीडेंस फाइन सो इसकी वजह से आपकी रिले जो है ना वो ऑपरेट कर जाएगी रिले जो है वो ऑपरेट कर जाएगी तो जितना होना चाहिए उससे ये जो Z जो है वो क्या होगा कम होगा तो इससे क्या हो जाएगा आपकी रिले जो है वो ऑपरेट कर जाएगी अगर मैं देखू की आ, इसके डायग्राम अगर मैं देखू तो डायग्राम जो है कुछ इस तरह से आएगा इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग का आप यहां पर देखिएगा ठीक है देखिए और मैं अभी जो सर्कल जो है वो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा तो पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा हमें कि एक जो है वो z सेट की वैल्यू जो लेनी पड़ेगी तो इस तरह से अगर मैं लूँ कि मान लीजिए कि ये ठीक है ये सिक्स सेंटीमीटर तो थ्री सेंटीमीटर जो है वहां पे कुछ जो है वो पॉइंट आएगा अपना वहां से जो है मैं क्या करना पड़ेगा एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से अगर ये सर्कल मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो इस तरह से कुछ सर्कल जो है वो मुझे मिल रहा है ठीक है कुछ इस तरह से जो है मुझे सर्कल मिल रहा है अगर ये सर्कल मुझे यहाँ पे मिला है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना आ, आ, सॉरी 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 ये एक्स है और ये आर है ठीक है सो so, अगर मैं देखू कि ये जो इसका है इसका इम्पिडेंस है, है और ये जो है इसका इम्पिडेंस है वो अगर ऐड होगा देखिए तो ये जो इम्पिडेंस है ना ये यहाँ पे ऐड होगा इम्पिडेंस जो है कुछ इस तरह से जो है ना वो ऐड होगा क्योंकि इम्पिडेंस ऑब्वियसली जो है वो क्या होगा लैग ही होगा ना सो दैट्स वाई ये होगा बिकॉज ऑफ जेड एस से और ये जो होगा ना वो होगा बिकॉज ऑफ जेड एस बी ठीक है अगर मैं इसको ज्वाइन करूं अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो कुछ इस तरह से अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये मिलेगा ये मिलेगा इस तरह से मुझे कुछ टोटल तो ये जो यहां पे जो इंटरसेक्ट हो रही है देखिए ये अगर मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ करूं तो ये जो है ना ये पॉइंट हो गया अपना इलेक्ट्रिकल पावर सेंटर ओके और यू कैन से फॉरगेट अबाउट द पावर इलेक्ट्रिकल सेंटर इलेक्ट्रिकल सेंटर ओके इलेक्ट्रिकल सेंटर सो धिस पर्टिकुलर लाइन इज फॉर दावर स्विंग थ्रू दिस पर्टिक्यूलर लाइन दिस पर्टिक्यूलर पॉइंट ओके सो दोकस जो है तो ये ऑफ पावर पावर स्विंग विल पास थ्रू दिस पर्टिक्युलर लाइन सो दीन्स एज द एरिया कवर्ड ऑन आर एक्स डायग्राम इज लेस फॉर इट इज लेस अफेक्टेड बाय द पावर स्विंग कम्पेयर टू दर टाइप्स ऑफ रिले ओके ये जो uh, मोहरिले है वो अपनी कम इफेक्ट करेगी इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग की वजह से इफेक्ट जो है वो कम आएगी पावर स्विंग की वजह से जो भी इफेक्ट आएगी वो ठीक है सो दिस ऑल अबाउट द मोह रिले कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ आर्ट रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ पावर स्विंग थैंक यू